सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पिक्सल लैब एप्लीकेशन, जिसका उपयोग आप यूट्यूब थंबनेल्स बनाने के लिए करते हैं, तो पिक्सल लैब एप्लीकेशन में अगर आपको वो दो ऐसे तरीके जो अगर आपके लाइफ टाइम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको पूरी स्टेप दिखाऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं, अगर आप भी पिक्सल लैब का उपयोग करते हैं, सो गाइस, सबसे पहले अगर आपको भी इस तरीके से गोला बनाना है किसी भी विदाउट PNG डाउनलोड किए, तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस तरीके से ये गोला क्या काम आता है, अगर आप कहीं पे भी मार्क कर रहे हो और छोटा सा गोला आपको रेड टाइप चाहिए होता है, तो आप इसे छोटा कर देते हो बिल्कुल, और इसे फिर आप यहाँ पे मार्क लिस्ट में लगा सकते हो इस तरीके से। तो आप भी अगर गोला बनाना चाहते हो तो इस वीडियो में आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको जाना है इस तरीके से, यहाँ पर आप देखोगे, इससे पहले सबसे पहले डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर अगर आपको भी गोला बनाना है तो क्या करना है, बीच वाले आइकन पर क्लिक करना है, ए के पास में जस्ट ये बीच वाला आइकन होता है, इस पर क्लिक करते ही जस्ट आपके यहाँ पे ये देख सकते हैं मार्क के ऑप्शन में सामने, ये देख सकते तीन चकोर टाइप से, गोल टाइप से ये आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है दोस्तों, इसमें ही ये उपयोग होता है, ठीक है। इसको आपको छोटा कर लेना, बड़ा कर लेना है, आपको यहाँ पर देख सकते हैं इसी पे, जस्ट यहाँ पे देख सकते हैं मैंने मार्क किया है, इस पर साइज मिल जाती है, तो इसे आप गोल कर देना है, आपको गोल आकार का गोला बनाना है, तो गोल करने के बाद यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, आपको कलर सेलेक्ट करना है, रेड कलर का बनाना है, तो आपको क्या करना है, सिंपली रेड कलर पे सिलेक्ट करना है, फिर आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर पर आपको वापस से आ जाना है, फिर यहाँ पर आपको इसको बिल्कुल ही जीरो कर देना है, फिर आपको नीचे आना है, फिर इसका कलर थोड़ा सा आप इसको आपको यहाँ पर कम से कम 30 जितना भी आपको इसके साइज की रखनी है, इसको 30 करके देता हूँ मैं, और फिलहाल के लिए मैं इसको अभी यहाँ पे देखेंगे, आप नीचे होंगे, नीचे आएंगे, इसको रेड कलर कर देते हैं, इसमें यहाँ पे आएंगे और इसको भी हम छोटा कर देते हैं, और इस तरीके से मैंने इसको बिल्कुल छोटा कर दिया, और यहाँ पर आप देखेंगे अभी ये गोला रेडी हो चुका है, और इसके आपको साइज़ भी वापस से कम कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा लग रही है तो, ठीक है। इस तरीके से आप इस देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसकी साइज़ कम रख दिए, इस तरीके से आप किसी चीज़ को मार्क कर सकते हैं, गोला लगा सकते हैं, ये देख सकते हैं रेडी हो चुका है, और इस तरीके से आप रेडी कर सकते हैं, ठीक है, नंबर वन। और दूसरे तरीके से आप अगर कोई भी फोटोज़ वगैरह सेव करते हो दोस्तों, और सबसे बड़ी गलती करते हो जिसके आप PNG या आपके थंबनेल्स होते हैं उसमें आपको क्वालिटी नहीं मिलती, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सेव के तरीके पर क्लिक करोगे, यहाँ पर देखते हैं 1280 यहाँ पर आपको कंटिन्यू रखनी है, ठीक है, आपको 1280 रखनी है ताकि अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी थंबनेल में, और यहाँ पर 720 कम से कम रखनी है दोस्तों, इससे कम रखोगे आपके थंबनेल में क्वालिटी कम मिलेगी और आपके थंबनेल एक घटिया तरीके से शो होगी, जिससे व्यूज़ वगैरह कम आते हैं, ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना है, आपको सेव कर देना है जिससे आपको ये सेव हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप पिक्सल लैब में ये दो आसान तरीके, जिससे आप, आई होप कि इससे आपको और भी मदद मिलेगी थंबनेल्स वगैरह बनाने में, तो अगर वीडियो आके मैं अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देते बाय एंड जय हिंद, वंदे मातरम।